वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस सीरीज़ के अंदर, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं वेडिंग एल्बम डिजाइनिंग के बारे में। इससे पहले के दो एपिसोड में हमने बात की प्रोसेस की, प्लानिंग की, कि किस तरह से वेडिंग एल्बम की प्लानिंग करते हैं, और कल हमने बात की वेडिंग लेआउट बनाने की, सीट बनाने की। आज हम बात करेंगे किस तरह से हम DM डिजाइन करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने ये जो सबसे पहले फोल्डर बताए थे वो उसी सीरीज़ के अंदर फोल्डर है। ये क्लोजअप है कुछ शादी के। अभी आप देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ कटिंग की है, आपको दिखा रहा हूँ। अभी ये फ़ोटो है जो कटिंग किए हुए हैं, ये फ़ोटो। एक फ़ोटो हम और कटिंग कर लेते हैं DM बनाने के लिए। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक तरह से बेसिक से ले रहा हूँ कि किस तरह से हम कटिंग करके फिर DM बनाएंगे। उसके बाद में मैं एडवांस भी बताने वाला हूँ आपको नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के अंदर कि किस तरह से हम एडवांस DM सीट्स और कवर, ये सब एडवांस डिजाइनिंग। एडवांस का मीनिंग कि हम कटिंग करके नहीं बनाएंगे, फिर हमको जैसी फ़ोटो होंगी उन्हीं को यूज़ में लेके बनाएंगे। जिस तरह इसकी फ़ोटो होगी उसके अंदर अपना बैकग्राउंड लगाएंगे, लेकिन कटिंग कम करेंगे। तो अभी देखिए, हम इस फ़ोटो की एक और कटिंग करते हैं। ये जो मैं कटिंग का मेथड ले रहा हूँ, मार्केट के अंदर ये मेथड भी पॉपुलर मेथड है, कटिंग करके और बैकग्राउंड के ऊपर फ़ोटो लगाने का। खूब सारे स्टूडियोज़ के ऊपर आपने देखा होगा, खूब सारे एल्बम के अंदर आपने देखा होगा कि कटिंग करने का जो मेथड है ये सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जा रहा है। ये हेयर कटिंग का जो मैं आपको बताऊँगा वो एक अलग एपिसोड होगा, उसके अंदर आप देखेंगे कि एडोब CS5, CS6 उनके अंदर हम कटिंग और अच्छे से कर सकते हैं। अभी इसके अंदर मैं जो कटिंग कर रहा हूँ उसके अंदर जो हेयर की अच्छे से कटिंग नहीं होगी। जैसे कि ये मैंने अभी कटिंग किया, कटिंग करने के बाद में यहाँ पे मैं पेन टूल से कटिंग किया है। कटिंग करने के बाद में यहाँ पे कंट्रोल एंटर के साथ F6 और फेदर दे देते हैं यहाँ पे दो। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ज़्यादातर जो यूज़ में ले रहा हूँ सब शॉर्टकट ही बता रहा हूँ। मैंने आपको अभी तक कुछ भी नहीं बताया कि मेन्यू में जाके क्या करना है, किस मेन्यू में क्या करना है। वो इसलिए कि एल्बम डिजाइनिंग का काम है वो एक तरह से, मैं प्रोफेशनल काम आपको बता रहा हूँ। जितने भी एल्बम डिजाइनर है जो फोटोशॉप को रेगुलर यूज़ में लेते हैं, एल्बम डिजाइनर नहीं, जो फोटोशॉप को रेगुलर यूज़ में लेते हैं, वो भी हमेशा शॉर्टकट ही यूज़ में करते हैं, क्योंकि शॉर्टकट से काम जो है वो फास्ट होता है, इसलिए सब शॉर्टकट यूज़ में लेते हैं। और आपको भी मैं इसीलिए शॉर्टकट ही बता रहा हूँ। कंट्रोल J दबाएंगे जिससे डुप्लीकेट लेयर बनेगा। ये डुप्लीकेट हो गया, इसको हम सेव कर देंगे वहीं पे। तो इस तरह से अभी हमारे पास 3 फ़ोटो है जो कटिंग किए हुए हैं, 1, 2 एंड ये 3, ठीक है। यहाँ पे एक फोल्डर है जहाँ पे मैंने कुछ लेआउट ला के रखे हैं, आप देख सकते हो। इनमें से एक मैं ले लेता हूँ, ये सिंपल एक बैकग्राउंड है, यहाँ पे हमको ये फ़ोटो लगानी है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ ये, तो आप जिस किसी भी धर्म को मानने वाले हो या आप जिस पार्टी का एल्बम बना रहे हो, जिस धर्म को मानने वाली पार्टी है, आप उनके धर्म की जो फ़ोटो लगाते हैं वो कवर पेज पे, फर्स्ट पे या फिर फर्स्ट सीट पे आप उसको लगाइए, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट ये सिर्फ बताने के लिए लेके आ रहा हूँ कि अगर ये DM जो बना रहे हैं हमको फर्स्ट DM है, तो हम उसके ऊपर भगवान की एक फ़ोटो लगाएंगे। यहाँ पे गणेश जी की सबसे पहली फ़ोटो लगाएंगे। और अगर ये हमारा फर्स्ट नहीं है तो इसको हटा भी सकते हैं। और हाँ, अभी देखिए इन फ़ोटोज़ को किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। ये जो DM डिजाइनिंग है ये स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, DM है वो, और एंड में भी लगा सकते हैं। जो मैंने फ़ोटो यहाँ पे कटिंग किए हुए थे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो बैकग्राउंड है PSD, उसको हम खुद अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे। अब देखिए, आपके सामने कटिंग किए फ़ोटो हमने ऐसे लगाए। बैकग्राउंड जब आपके पास है तो आप बहुत ही फास्ट वर्क कर सकते हैं। अभी देखिए,
ये फोटो आपकी तैयार हो गई। जैसे कि ये फोटो है, अब इसके नीचे शेडो नहीं दिखाई दे रही है, इसके नीचे कुछ सरफेस नहीं है कि ये फोटो कहाँ पे खड़ी है, ऐसे हवा में उड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हम बना सकते हैं सरफेस। सरफेस बनाना है तो जस्ट एम दबाया, मैंने एम प्रेस किया है और एम से मैंने मार्क्यू सिलेक्शन टूल है वो लिया है, फिर कंट्रोल शिफ्ट और एंड से न्यू लेयर लिया और शिफ्ट के साथ F5 फिल करने के लिए लगाया और कहीं से भी मैंने उठाया, कलर पिक किया और उसके ऊपर मैंने खड़ा कर दिया। तो अभी आप देख सकते हैं पहले वाली से कुछ बेटर लग रही है फ़ोटो। ई से इरेजर लेते हैं, मैंने इरेजर लिया और इरेजर से अभी इसको थोड़ा थोड़ा ब्लरिंग कर रहा हूँ। तो ये फ़ोटो ऐसे लग रही है यहाँ पर खड़ी है, लेकिन इसके अंदर और हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, शेडो लगा सकते हैं। तो शेडो के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेयर पे जाएंगे, ये जो लेयर है इसके ऊपर यहाँ से शेडो लेके आएंगे, राइट क्लिक भी कर सकते हैं, राइट क्लिक से ब्लेंडिंग ऑप्शन या डायरेक्ट भी यहाँ पे ऑप्शन है ड्रॉप शेडो से। शेडो हमको कितना रखना है, साइज़ क्या होगी, डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये रखेंगे। एक बार हम शेडो लेके आते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँ ड्रॉप शेडो। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके ऑप्शन आएगा क्रिएट लेयर, शेडो को लेयर बनाना है। ओके, तो ये लेयर बन गया। अभी इस लेयर को आप देख सकते हैं ये शेडो है, किस दिशा में आपको कहाँ पे शेडो सेट करता है करना है वो आप देख सकते हैं। मुझे जैसे कि इसको बैकग्राउंड में यहाँ पे शेडो देना है, शेडो आ गया। शेडो की अगर आपको ओपेसिटी कम करनी है तो डायरेक्ट 5, 4, 6 ऐसे आप दबा के कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी आप ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं अधिकतर ज़्यादातर जो भी है शॉर्टकट यूज़ में लेता हूँ और फुल स्क्रीन बना के यूज़ में लेता हूँ। जैसे कि अभी फुल स्क्रीन मोड है, टैब प्रेस करेंगे तो साइड में जो टूल बार है और इस साइड में जो लेयर लेयर है तो ये विंडो हटेगी टैब से, और एफ से क्या होगा, एफ से ये स्मॉल होगा, बड़ा होगा। तीन विंडो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो आपको कौन सी विंडो, फुल स्क्रीन रखता हूँ मैं हमेशा, फुल स्क्रीन और टैब दबा के रखता हूँ। यहाँ पे शेडो लगा दिया, अभी ये फ़ोटो बेटर लग रही है पहले से। अभी ये जो स्पेस है यहाँ पे, ये थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है ना, तो यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, या फिर एक दूसरा तरीका ये भी है कि इस फ़ोटो का हमने डुप्लीकेट बनाया, अलर्ट के साथ इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये डुप्लीकेट बन गया। इसको मैं बैक लेके जाता हूँ, कंट्रोल के साथ लार्ज जो ब्रैकेट है, बड़ा वाला ब्रैकेट, उससे पीछे किया और थोड़ा सा इसका ओपेसिटी कम किया, डायरेक्ट 5, 3, 2, 6 दबाएंगे तो ओपेसिटी कम होता है, और अभी कंट्रोल शिफ्ट के साथ यू करूँगा तो ये ब्लैक एंड वाइट भी हो गया। अभी आप देख सकते हैं ये जगह खाली नहीं लग रही है, यहाँ पे जो भी है इनका नाम भी लिख देंगे तो ये जगह और ज़्यादा भरी भरी लगेगी। ये नाम लिख दिया, बीच में आप वेट्स भी लगा सकते हो, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे नाम लिख सकते हो, यहाँ पे डेट भी लिख सकते हो, ये स्पेस यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे डेट भी लिख सकते हो। ये जो नाम है इसको आप दूसरी जगह पे मूव भी कर सकते हो, पीछे नाम भी दिखाई दे रहे हैं उनको भी मूव कर सकते हो, और जो बैकग्राउंड है उसको पूरी तरह से आप यहाँ से अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। और दूसरा एक और हिंट मैं देता हूँ आपको, ये फ़ोटो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट करने की बजाय हम कुछ अलग भी कर सकते हैं यहाँ पे। एक तो दूसरा अलग ये कर सकते हैं कि यहाँ पे किसी अकेले दूल्हे या दुल्हन के यहाँ पे फ़ोटो हम लेके आएँ और फिर यहाँ पे लाके लगाएं, जैसे कि अभी लेके आने वाला हूँ मैं, आप देखिए ये फ़ोटो है। कोई भी ऐसे फ़ोटो जैसे सिंपल खड़े हुए की फ़ोटो है तो वो लगा सकते हैं। एक फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे कुछ हम इस तरह से बॉक्स बनाएं, सेलेक्ट किया कंट्रोल शिफ्ट एन से न्यू लेयर लिया और इसको शिफ्ट के साथ F5 से फिल किया, ये फिल हो गया। फिर इसको हमने, मैं कुछ इसको बॉर्डर देना चाहता हूँ तो अलर्ट ES से स्ट्रोक देंगे, स्ट्रोक इसका मैं रखता हूँ, इसको वाइट स्ट्रोक देता हूँ पहले 40, और अभी इसको मैं देता हूँ सेम बैकग्राउंड वाला ये स्ट्रोक, ये देता हूँ 30। तो ये एक तरह से
बॉर्डर बन गया इसका। अब ये यहाँ पे ये ऐसे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे वाइट बॉर्डर की ज़रूरत है, इसको वाइट बॉर्डर दिया, पाँच ज़्यादा हो गया ना, तीन दे देते हैं। इसके अंदर भी आप दे सकते हैं लेकिन यहाँ से दिखाई नहीं देगा। अब आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर मैं यहाँ से दूसरे फोटोज़ लेके आऊँगा, और इसके अंदर कल मैंने आपको बताया था कंट्रोल ए सी और डब्लू, कंट्रोल शिफ्ट वी, ये पेस्ट इनटू हो गया। आप पिछला जो एपिसोड है उसके अंदर इसके बारे में मैंने अच्छे तरीके से बताया था कि पेस्ट इनटू कैसे करते हैं। फिर इसके अंदर मैं दुल्हन की फ़ोटो लेके आके लगा देता हूँ, कंट्रोल ए सी डब्लू, और जो सिलेक्शन एरिया उसके अंदर कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट इनटू, और फिर इसको स्मॉल कर देते हैं। ये जो पेस्ट इनटू हो रहा है वो मास्क बन रहा है, आप देख सकते हैं ये मास्क है, डायरेक्ट मास्किंग मेथड होता है एक तरह से ये, तो आप ऐसे भी लुक दे सकते हो, ये एक अलग टाइप का हो गया। यहाँ पे ये स्पेस खाली लग रहा है तो यहाँ पे आप दूसरे फ्लावर भी लेके आ सकते हो, ये जैसे ये फ्लावर है ये लगा है, तो ये वंडरफुल लुक दे रहा है अभी, और भी ज़्यादा बेटर हो गया पहले से। और हमने यहाँ पे कुछ नाम लिखे थे ना, दूल्हा और दुल्हन के एग्जांपल लिखा था, ये नेम जो है यहाँ से हटा के आप यहाँ लिख सकते हो, या फिर यहाँ भी लेके आ सकते हो। तो एक नाम पीछे गया, यहाँ पे नाम लेके आ गए। तो किसी भी तरह से हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो फास्ट वर्क करने के लिए है, आपका हाथ कैसा जमा हुआ है और आपको कितने शॉर्टकट याद हैं। जैसे मैंने अभी जो वर्क किया है आपके सामने सब शॉर्टकट यूज़ में लिया है, कहीं भी कुछ भी नहीं किया। तो इस तरह से हमारा ये डीएम डिज़ाइन हो गया। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम कवर डिज़ाइनिंग करेंगे, बैक कवर और फ्रंट कवर के अंदर क्या डिफरेंस होता है, क्या हम सेम रख सकते हैं या फिर डिफरेंट रखेंगे बैक और फ्रंट कवर को। मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल फ़ोटोज़ भी दिखा रहा हूँ, जैसे ये फ़ोटो है, ये भी मैंने डिज़ाइन किया हुआ है डीएम, आप देख सकते हो यहाँ पे। और इसके अलावा कुछ और भी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ डीएम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, आपकी कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।